सो हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में यदि आप चाहते हैं कि आप बीएसएसबी में जो है कोई जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा। स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि 5 तारीख से जो है लिंक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको। और कैसे क्या फॉर्म भरना है वो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही शानदार जानकारी के लिए वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर DSSB OARS इन ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है इसको समझेंगे। ये जो है प्रत्येक वैकेंसी से पहले बहुत अनिवार्य है। फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर। ठीक है, यानी कि आप यदि किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो है OARS पर जो है रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखेंगे। द फील्ड विथ स्टार मार्क आर मैंडेटरी, यानी कि नीचे जो आपको फील्ड दिए जाएंगे उसमें जो भी स्टार मार्क लगे हुए हैं वो मैंडेटरी रहेंगे। इन केस रोल नंबर ऑफ 10th इन अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक साथ में है, देन यूज ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑफ द रोल नंबर। फॉर एग्जांपल, यदि आपके रोल नंबर ऐसे है 12CSC0204, देन यूज ओनली न्यूमेरिक, यानी कि 120204। ठीक है, इस हिसाब से। फर्दर प्लीज नॉट एंटर प्रीफिक्स 0 इन क्लास 10th रोल नंबर एज सिस्टम विल टर्निकेट ऑल लीडिंग जीरोज फ्रॉम लेफ्ट ऑटोमेटिकली। यानी कि पहले कोई भी आपके रोल नंबर से पहले 0 लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं है और उसको भरना नहीं है इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है दोस्तों, देख सकते हो आप। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला था कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी कैंडिडेट स्टाफ नर्स हो चाहे और भर्ती हो, स्टाफ नर्स के लिए विशेष करके अपन बात करें तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपना फॉर्म भर पाएगा। जैसे ही फॉर्म डेट आ जाएगी, आपको अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया हुआ है, जल्दी से जाइएगा OARS पोर्टल पर और अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, वीडियो के साथ बने रहे। ठीक है, After registration, candidate is required to quote his or her registration number as login ID and password for the further accessing the online system. यहाँ पर पासवर्ड वगैरह मांगेंगे, वो आपको याद रखने अनिवार्य है। इसमें जो भी डिटेल मांगेंगे, जब फॉर्म आप भरने के लिए खोलोगी, जैसे एक अपना जो SSO ID होता है उसी प्रकार से ये काम करता है। तो जैसे ही फॉर्म भरने के लिए आप अपना फॉर्म का खोलोगे तो जिसमें जो इसमें एकदम परफेक्ट जो जानकारी आपने दे रखी वही जानकारी अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें फॉर्म में फिल हो जाएगी। ठीक है, द ID प्रूफ दैट इज एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट्स विल बी क्रॉस चेक्ड द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ E-dossier इफ शॉर्टलिस्टेड। यानी जो अपनी ID दे रहे हो एकदम परमानेंट और जो है ओरिजिनल ID देनी होगी। एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली एज डिटेल ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वंस फाइनली सबमिटेड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंजेस विल बी अलाउड। यानी कि आपको ये रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है एकदम सावधानीपूर्वक भरना होगा। एक बार भर दिया तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे दोस्तों। और जो है यहाँ पर जो आप डिटेल डालोगे वही आप जैसे ही कोई भी फॉर्म भरोगे उसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो दोस्तों एकदम ध्यानपूर्वक, ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट्स यानी आपका नाम यहाँ पर लिखना है, री एंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट दोबारा लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर री एंटर करवा रहे हैं यहाँ पे। ये जो है सावधानी से भरवाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये OARS पोर्टल वाले। री एंटर होगा, उसके बाद रोल नंबर 10th की, फिर री एंटर करने होंगे और पासिंग ईयर कौन सा है। ठीक है, आपने 10वीं कब करी, फिर सेलेक्ट जेंडर री सेलेक्ट, फिर नेशनैलिटी आपको लिखनी है जो कि इंडियन होनी चाहिए, फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, सारे री एंटर भी करने हैं, स्पाउस नेम री एंटर स्पाउस नेम, फिर जो है मोबाइल नंबर होना चाहिए लेकिन 0+91 वो नहीं लगाने हैं आप, फिर री एंटर करवाएंगे ईमेल, फिर री एंटर, फिर आपके पास मोबाइल में OTP आएगी। 2 बार जो है आप OTP आपको जो गेट OTP पे दबा के OTP प्राप्त करनी है, फिर 2 बार भरनी होगी। उसके बाद जो है आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एंश्योरिंग द जेन्युइननेस ऑफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड विच नीड टू बी सबमिटेड बाई द कैंडिडेट्स। ठीक है, इन केस ऑफ आधार नंबर इज प्रोवाइडेड देन नो स्कैंड ID प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोड। यानी यदि आपके पास आधार कार्ड है देन कोई भी आपको कोई भी चीज़ स्कैन नहीं करनी पड़ेगी आगे भी कोई भी फॉर्म भरते हो तो, अदरवाइज आपको स्कैन करना पड़ेगा। डू यू वॉन्ट टू गिव आधार कार्ड, यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन दिया हुआ, येस पे क्लिक करना होगा, फिर जो है एंटर आधार नंबर, री एंटर आधार नंबर, 2 बार आधार नंबर आपको डालने होंगे, 2 बार अपना नाम डालना होगा जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद नॉट को पढ़िएगा. द आई डी प्रूफ एज एंटर्ड बाई द एप्लीकेंट्स विल बी क्रॉस चेकड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ ई डोजियर इफ़ द शॉर्टलिस्टेड. यदि सिलेक्शन होता है तो क्रॉस मैचिंग की जाएगी. फिर पासवर्ड, ये पासवर्ड जो है आपको कैसे क्या डालें, नॉट योर पासवर्ड फॉर लॉग इन ओ ए आर एस अकाउंट रहेगा ये. पासवर्ड मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट 8 करेक्टर, यानी 8 कम से कम अंक होने चाहिए उसमें, इंक्लूडिंग 1 अपर केस, यानी ए से जेड जो अपर केस है, यानी जो आप 8 अंक का जो पासवर्ड डाल रहे हो उसमें ए से जेड जो अपर केस वाला ए से जेड है, बड़ी ए बी सी डी, उसका एक अंक होना चाहिए कम से कम. एक ए से जेड लोअर केस का होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए कम से कम 0 से 9 का, और एक स्पेशल कैरेक्टर आपके सामने दिख रहा होगा, एट जी रेट वगैरह, परसेंटेज वगैरह, एंड गर्सन है, हैशटैग है, स्टार है, इसमें से कोई भी एक होना अनिवार्य. ठीक है, तो ऊपर आपने पासवर्ड डाला, फिर नीचे जो है री एंटर पासवर्ड होगा, फिर जो है अंडरटेकिंग, यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा, लेकिन सबसे पहले आप अंडरटेकिंग को पढ़ेंगे. आई हेयर बाई सर्टिफाई दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड हैव बीन फिल्ड बाई मी. मतलब कि यहाँ पर जो है आपका खुद का डिक्लेरेशन मांग रहा, सेल्फ डिक्लेरेशन, कि आपने जो भी चीज़ें भरी है वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं है. दूसरा पॉइंट, आई अंडरस्टैंड दैट द इवेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बींग फाउंडेड फॉल्स और इनकरेक्ट, यानी कि मेरे द्वारा भरी हुई कोई भी जानकारी यदि गलत लगती है, यहाँ पर जो है सेल्फ डिक्लेरेशन में लिखा है, तो आप मेरे को जो है नौकरी से वंचित कर सकते हो. तीसरी है द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड हेयर इन सेल बी ट्रीटेड एज फाइनल. तीसरा ये है कि मैंने जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाली है वो फाइनल है. चौथी, आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई हैव इन्फॉर्म्ड माई हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट राइटिंग टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली. ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अप्लाई करूँगा सिर्फ. आई हेयर बाई सर्टिफाई दैट दिस इज़ माई सोल एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन. ठीक है, और इसके बाद जो है नीचे यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको हाईलाइटेड करके, कि ये जो है यहाँ पर, इसमें आपको एक मिनट दोबारा बता देता हूँ, ये जो है इस पर टिक करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू पे नहीं जाना है, सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. तो इस प्रकार जो है आपका DSSB वैकेंसी के लिए, स्टाफनर्स की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है OARS, उस जो पोर्टल पर आपका जो है एकदम परफेक्टली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. तो जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होंगे तो आपको सहूलियत होगी. जैसे ही फॉर्म खोलोगे, आपके पूरी डिटेल अपने आप जो है, जो आपने OARS पोर्टल पर भरी है वो अपने आप उस फॉर्म में फिलअप हो जाएगी. तो इस प्रकार जो है आप एकदम ध्यानपूर्वक जो है भरें. मैंने पूरा ट्यूटोरियल आपको जो है बता दिया प्रैक्टिकली. और भी कुछ चीज़ पूछनी हो तो वीडियो के कमेंट बता सकते हैं. लेकिन अब कोई भी कमेंट ऐसा आ जाता है कि ये तो कुछ नहीं है, वो है, ऐसे है, रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना, तो आई डोंट माइंड. वो चीज़ें जो है वो उन लोगों का आदत बन चुकी है, लगातार कमेंट्स आते हैं. कुछ लोग जो है 99% तो अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन 1% कुछ होते हैं जो, जिनको अच्छी जानकारी भी जो है उनको ना तो सुनना है वीडियो को, ना ही देखना है, और आराम से जो है कमेंट कर देना है. तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा, केयरफुली देख लिया आपने तो कैसी लगी जानकारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं. साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ऐसे ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो, इस चैनल पर लाते रहेंगे. नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट लाते रहेंगे. कोई भी वैकेंसी आएगी उसकी न्यूज़ हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.